आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे ईमेल और इंटरनेट रिलेटेड एमसीक्यू। वीडियो के लास्ट में आपको टेस्ट भी देना है। जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपके एग्जाम और इंटरव्यू पॉइंट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप कहीं पे भी अगर जॉब करते हैं तो ईमेल और इंटरनेट डेली यूज़ करते हैं, इसलिए इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो वीडियो को कंप्लीट देखें सीखने के लिए। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल स्टैंड्स फॉर। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा सी नंबर, इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीमेल? जीमेल का फुल फॉर्म इनमें से कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा गूगल मेल। डिफाइन द टर्म इंटरनेट। इंटरनेट का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन से करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, अ वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स, जिसे हम नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहते हैं। द इंटरनेट ऑल्सो कॉल्ड, इंटरनेट को हम शॉर्ट में और क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा बी नंबर, नेट। इंटरनेट को हम नेट भी कहते हैं। हु सपोर्टेड द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट? इंटरनेट के शुरुआती जो डेवलपमेंट था तो इनमें से कौन सपोर्ट किया था? तो राइट आंसर होगा ए नंबर, अर्पानेट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अर्पानेट? अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या होता है, ये हमने कई सारे वीडियोस में डिस्कस भी किया है। यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे करेक्ट आंसर बताते हैं, डी नंबर, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इज द फुल फॉर्म ऑफ अर्पानेट। व्हाट इज द मीडियम ऑफ शेयरिंग डेटा बिटवीन टू कंप्यूटर्स? दो कंप्यूटर के बीच में डेटा को शेयर इनमें से किसके माध्यम से किया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, नेटवर्क के थ्रू हम दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर के बीच में डेटा को शेयर करते हैं। हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट? इनमें से कौन इंटरनेट के फादर हैं? तो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, विंट सेफ। सीसी स्टैंड्स फॉर। आप ईमेल अगर भेजते होंगे तो वहां पे आपने सीसी देखा होगा, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर होगा बी नंबर, कार्बन कॉपी। व्हाट इज द यूज ऑफ सीसी? सीसी का क्या यूज होता है, हम ईमेल में इसे क्यों यूज करते हैं? तो राइट आंसर होगा हमारा ए नंबर, रेसिपिएंट इन सीसी मैसेजेस आर विजिबल टू ऑल अदर रेसिपिएंट्स। इसका मतलब ये है कि आप जितने भी लोगों को सीसी में ऐड करेंगे और उस ईमेल को सेंड कर देंगे तो सारे लोग ये देख पाएंगे कि आपने इस मैसेज को किसे किसे सेंड किया है। तो ये यूज़ होता है सीसी का, आप इसे याद रखिएगा क्योंकि आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बीसीसी? बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर होगा सी नंबर, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। व्हाट इज द यूज ऑफ बीसीसी? बीसीसी का यूज क्या होता है और इसे हम ईमेल में क्यों करते हैं? तो राइट आंसर होगा बी नंबर, रेसिपिएंट्स इन बीसीसी आर इनविजिबल टू ऑल अदर रेसिपिएंट्स ऑफ द मैसेज। यानी कि आपने जो भी ईमेल भेजा है और आपने जितने लोगों को बीसीसी में डाल के रख दिया है तो वो लोग एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे, ये नहीं जान पाएंगे कि आपने इस मैसेज को कितने और अलग लोगों को भेजा है। तो इस पर्पस के लिए हम बीसीसी का यूज़ करते हैं। आपसे इंटरव्यू में क्या पूछ सकता है कि सीसी और बीसीसी में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बताएंगे? सीसी में हम जितने भी लोगों को रखते हैं वो एक दूसरे को देख सकते हैं सिंपल वर्ड में। बीसीसी में हमने जितने भी लोगों को डाल रखा है वो एक दूसरे को नहीं देख सकते कि आपने इस मैसेज को कितने और लोगों को सेंड किया है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस? डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर होगा बी नंबर, डोमेन नेम सिस्टम।
जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड, हम जंक मेल जो आपको आते हैं उसे और किस नाम से भी बुला सकते हैं, तो राइट आंसर होगा ए नंबर, स्पैम। इन ईमेल विच वर्ड डिस्क्राइब्स द कंटेंट ऑफ द मैसेज, ईमेल में इनमें से कौन सा वर्ड होता है जो भी आपका कंटेंट होता है उसे पूरा डिस्क्राइब कर सकता है, तो राइट आंसर होगा सी नंबर, सब्जेक्ट। जो हमारा बॉडी होता है उसी का शॉर्ट हम सब्जेक्ट में लिखते हैं, तो सब्जेक्ट ऐसा चीज़ है जो आपके पूरे कंटेंट के बारे में बता सकता है कि आपने जो ईमेल भेजा है वो किस पर्पस के लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड इन द ईमेल ओपनिंग फॉर्म टू ओपन अ न्यू ईमेल आईडी, जब एक न्यू ईमेल आईडी आप बनाते हैं उस समय पे आपको ईमेल आईडी फॉर्म में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो राइट आंसर होगा डी नंबर, इन सभी की। आपको नेम और एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, डेट ऑफ बर्थ एंड फादर्स नेम की ज़रूरत पड़ती है, अल्टरनेट ईमेल आईडी इफ़ नेसेसरी। तो जब आप एक न्यू ईमेल आईडी बनाते हैं तो इन सभी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है, द इंटरनेट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स, इनमें से कौन सी कंट्री है जहाँ इंटरनेट यूजर सबसे ज़्यादा है, तो राइट आंसर होगा सी नंबर, चाइना। विच प्रोटोकॉल हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग फाइल बिटवीन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के बीच फाइल ट्रांसफ़र करने में इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल आपकी मदद करता है, तो राइट आंसर होगा ए नंबर, FTP। FTP स्टैंड्स फॉर, FTP का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आप देख लीजिए, राइट आंसर होगा डी नंबर, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। अ कंप्यूटर नेटवर्क इनेबल्स टू और मोर कंप्यूटर्स टू, जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है ये दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को इनेबल करता है, किस लिए, शेयर डेटा एंड हार्डवेयर रिसोर्सेस, डेटा और हार्डवेयर रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए। व्हाट इज URL, URL क्या होता है जो आप यूज करते हैं, तो राइट आंसर होगा बी नंबर, द एड्रेस ऑफ अ पेज और डॉक्यूमेंट ऑन द www पर एक पेज या एक डॉक्यूमेंट का पता, उसे हम कहते हैं URL। द कॉमन नेम फॉर अ मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर इज, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर का कॉमन नेम क्या होता है, शॉर्ट नेम क्या होता है, एग्जाम में आपसे ऐसे पूछ सकता है, तो राइट आंसर होगा डी नंबर, उसे हम कहते हैं मॉडम। सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू, ईमेल भेजना किसके समान होता है, तो राइट आंसर होगा ए नंबर, राइटिंग अ लेटर। द स्टोरेज एरिया ऑफ ईमेल मैसेजेस इज कॉल्ड, ईमेल मैसेजेस के जो स्टोरेज एरिया होता है उसे क्या कहते हैं, तो राइट आंसर होगा डी नंबर, मेल बॉक्स। हु इज द फादर ऑफ ईमेल, ईमेल के फादर कौन है इनमें से, तो राइट आंसर होगा डी नंबर, रे टॉमलिंसन। ईमेल वॉज पेटेंट इन, ईमेल को किस ईयर में पेटेंट कराया गया था, तो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, 1971 में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ईमेल वॉज इन्वेंटेड, इनमें से कौन सी कंट्री है जिन्होंने ईमेल का इन्वेंशन किया था, तो राइट आंसर होगा डी नंबर, अमेरिका। व्हाट इज ईमेल, ईमेल एक्चुअली में होता क्या है, तो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, ईमेल इज अ इलेक्ट्रॉनिक मेल दैट इस्टैब्लिश पर्सन टू पर्सन कनेक्टिविटी, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है जो क्या इस्टैब्लिश करता है, पर्सन टू पर्सन कनेक्टिविटी। What is the purpose of providing a draft folder in email system? Email system में draft folder provide करने का क्या purpose है? तो correct answer होगा A number, to save unsent emails. ऐसे email जिसे आपने नहीं भेजा है अभी तक
उन सभी ईमेल को आप ड्राफ्ट फोल्डर में सेव करके रख सकते हैं। इसी पर्पस के लिए आपको ड्राफ्ट फोल्डर प्रोवाइड किया गया है ईमेल में। द फाइल अटैच टू एन ईमेल इज कॉल्ड द, ऐसा फाइल जो ईमेल में अटैच्ड किया गया है उसे हम क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, अटैचमेंट। विच मीडियम इज नॉट सुटेबल फॉर ईमेल, इनमें से कौन सा मीडियम सुटेबल नहीं है ईमेल के लिए? तो राइट आंसर होगा ए नंबर, पेपर। विच टर्म अवॉइडेड इन ईमेल, इनमें से ईमेल में किसे अवॉइड किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ए नंबर, रोंग ईमेल एड्रेस। एन इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टम इज नोन एज, इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टम को हम और क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग आइकन इज यूज्ड टू ऐड अटैचमेंट टू अ ईमेल, इनमें से कौन सा आइकन यूज किया जाता है किसी भी ईमेल में अटैचमेंट को यूज करने के लिए? तो राइट आंसर होगा सी नंबर, पेपर क्लिप आइकन। जो आप अटैचमेंट यूज करते हैं तो उसका आइकन बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसे आपका पेपर क्लिप आइकन दिखता है, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है, तो आप बिल्कुल याद रखिएगा। हु इज द फाउंडर ऑफ फोरट्रान, फोरट्रान का इनमें से कौन फाउंडर है? तो राइट आंसर होगा बी नंबर, जॉन बैकर्स। फायरवॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योरिटी इन कम्युनिकेशन सिस्टम और नेटवर्क टू अवॉइड, फायरवॉल का यूज किया जाता है सिक्योरिटी के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम और नेटवर्क में, किससे बचने के लिए या किसे अवॉइड करने के लिए? तो राइट आंसर होगा बी नंबर, अनऑथराइज्ड अटैक जितने भी होते हैं उनसे बचने के लिए, अपने आप को सेफ करने के लिए हम फायरवॉल का यूज करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, इंटरनेट से कनेक्टेड हर कंप्यूटर के पास क्या होना चाहिए? यूनिक आईपी एड्रेस, एक यूनिक आईपी एड्रेस होना चाहिए हर कंप्यूटर को जो भी इंटरनेट से जुड़ा है, कनेक्टेड है। टीसीपी स्टैंड्स फॉर, टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर होगा बी नंबर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। विच वेब ब्राउजर वॉज डेवलप्ड बाय गूगल, गूगल के द्वारा इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर डेवलप किया गया था? तो राइट आंसर होगा ए नंबर, क्रोम। द फास्टेस्ट वे टू स्टार्ट इंटरनेट ब्राउजर इज टू, इनमें से कौन सा सबसे फास्ट तरीका है इंटरनेट ब्राउजर को स्टार्ट करने का? तो राइट आंसर होगा बी नंबर, डबल क्लिक ऑन शॉर्टकट अवेलेबल ऑन डेस्कटॉप। आपके इंटरनेट ब्राउजर का जो भी शॉर्टकट्स है डेस्कटॉप पे आपने रखा है उस पर डबल क्लिक कीजिए, वो सबसे फास्ट तरीका है इंटरनेट ब्राउजर को स्टार्ट करने का। विच इज द स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन सर्विस, इनमें से कौन सा सबसे स्लो इंटरनेट कनेक्शन सर्विस है? तो राइट आंसर होगा बी नंबर, डायलअप सर्विस। अ वेब एड्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड, हम वेब एड्रेस को और क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा बी नंबर, URL, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आप कमेंट में लिख के बताएंगे। द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज, इंटरनेट का एक सबसे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इनमें से कौन सा है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा डी नंबर, TCP/IP। इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए, आपके रिवीजन के लिए करा देते हैं। करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, कभी कभी ये दोनों फुल फॉर्म सेपरेट पूछा जाता है तो आप याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिविटी, इनमें से कौन सा कनेक्टिविटी का सही एग्जाम्पल है? तो राइट आंसर होगा डी नंबर, इंटरनेट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिविटी। NVT स्टैंड्स फॉर, NVT का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर होगा बी नंबर, नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल।
पीओपी थ्री मीन्स इसका क्या मतलब होता है? राइट आंसर होगा ए नंबर, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल थ्री का मतलब है वर्जन थ्री, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन थ्री। पीओपी थ्री इज सिंपल एंड लिमिटेड इन, जो पीओपी थ्री होता है ये सिंपल होता है और लिमिटेड होता है किसमें? फंक्शनैलिटी। विच टर्म इज नॉट यूज्ड बाय इंटरनेट, इंटरनेट के द्वारा इनमें से किस टर्म का यूज नहीं किया जाता है? तो राइट आंसर होगा डी नंबर, बीएसएनएल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन, इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? तो राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर, गूगल। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू इंटरनेट, इनमें से कौन सा टर्म इंटरनेट से रिलेटेड नहीं है? लिंक, ब्राउजर, सर्च इंजन या फिर कीबोर्ड? राइट आंसर होगा डी नंबर, कीबोर्ड इज नॉट रिलेटेड टू इंटरनेट। एसएमटीपी स्टैंड्स फॉर, एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। विच इज यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव ईमेल, ईमेल को सेंड और रिसीव करने में हम किसका यूज करते हैं, कौन सा यूज किया जाता है? तो राइट आंसर होगा सी नंबर, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है ईमेल सेंड और ईमेल रिसीव करने के लिए। वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज कॉल्ड, लॉगिन नेम किसी का या पासवर्ड का वेरिफिकेशन क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, ऑथेंटिकेशन। द फ्रंट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड, किसी भी वेबसाइट का फ्रंट पेज या फिर मेन पेज जो होता है उसे क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, होम पेज। अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, एक कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को हम वेबसाइट कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज यू टू एक्सेस योर ईमेल फ्रॉम एनीवेयर, इनमें से कौन आपको ये अलाउ करता है कि आप अपने ईमेल को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, इसकी अनुमति देता है आपको? राइट आंसर होगा हमारा सी नंबर, वेब मेल इंटरफेस, ये आपको इस काम के लिए अलाउ करता है। मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज कॉल्ड, जब आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में मूव करते हैं तो वो क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, ब्राउजिंग। द वास्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड इज कॉल्ड, दुनिया भर में लाखों लोगों को जोड़ने वाले कंप्यूटर के वास्ट नेटवर्क को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा बी नंबर, इंटरनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय इंटरनेट मेल, इंटरनेट मेल के द्वारा इनमें से किसका यूज किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, HTTP। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए इनमें से किसकी जरूरत पड़ती है? राइट आंसर होगा डी नंबर, टेक्स्ट एडिटर। MIME stands for, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। टू सेंड अ रिसीव्ड मेल टू अनदर पर्सन यू नीड टू डैश द मैसेज, जो मैसेज, जो मेल आपके पास आया है, जो आपने रिसीव किया है, उसे किसी और पर्सन को सेंड करने के लिए आप क्या करेंगे? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, फॉरवर्ड द मैसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी फॉर सेंडिंग ईमेल, जब आप किसी को ईमेल भेजना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा मैंडेटरी है? सबसे ज्यादा नहीं, उसके बिना आप ईमेल कर ही नहीं सकते हैं। राइट आंसर होगा डी नंबर, सेंडर ईमेल आईडी। अगर सेंडर का मेल आईडी आपके पास ना हो तो आप मेल कर ही नहीं सकते हैं, तो ये मैंडेटरी है। व्हाट इज इंक्लूडेड इन ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस में किन किन चीजों को इंक्लूड किया जाता है, क्या इंक्लूड रहता है? राइट आंसर होगा ए नंबर,
यूजर्स नेम फॉलोड बाय डोमेन नेम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस. ईमेल एड्रेस का इनमें से कौन सा करेक्ट फॉर्मेट है? तो राइट आंसर होगा डी नंबर. नेम एज द रेट, वेबसाइट का नाम आएगा, फिर इन्फो. एक एग्जाम्पल ही लेते हैं. अगर आप किसी को जीमेल कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका नेम आएगा. नेम के आगे अगर आप कोई डिजिट ऐड करना चाहते हैं तो हमने कर दिया, फिर आप एज द रेट लगाते हैं, फिर जीमेल, फिर डॉट कॉम. तो ये एक करेक्ट फॉर्मेट है. विच टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज बेस्ट फॉर लार्ज बिजनेसेस. अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है तो कौन सा टोपोलॉजी आपके लिए सबसे सुटेबल है? तो राइट आंसर होगा डी नंबर, स्टार टोपोलॉजी. विच ईमेल मैसेजेस सेंड बाय एन अननोन सेंडर यूजुअली फॉर बिजनेस पर्पस. इनमें से कौन सा ईमेल अननोन सेंडर के द्वारा भेजा जाता है, किस पर्पस से? बिजनेसेस पर्पस से. तो राइट आंसर होगा हमारा डी नंबर, जंक ईमेल. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज टू रिसीव मेल मैसेजेस. इनमें से किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है मेल मैसेजेस को रिसीव करने के लिए? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी नंबर इन सभी का. पहला है SMTP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल. इन तीनों का यूज किया जाता है ईमेल को रिसीव करने के लिए. POP3 हैज टू मोड्स, डिलीट मोड एंड अनदर वन इज कीप मोड. सीक्रेट की इंक्रिप्शन इज ऑल्सो नोन एज. सीक्रेट की इंक्रिप्शन को हम प्राइवेट इंक्रिप्शन भी कहते हैं. ISDN stands for, इसका सही फुल फॉर्म कौन सा है इनमें से? राइट आंसर होगा बी नंबर, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क. इंटरनेट वॉज डेवलप्ड इन द, इंटरनेट किस ईयर में डेवलप हुआ था? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, लेट 1960s. A block of text automatically added to the end of outgoing email is called. ऐसा text, ऐसा block जो automatically added होता है किसी भी outgoing emails के नीचे, हम उसे bottom में add करते हैं, उसे कहा जाता है signature. इसका हम एक separate video में आपको practical use करके बताएंगे कि कैसे आप signature को add कर सकते हैं. आप अगर किसी को email भेजते हैं तो last में लिखते हैं ना thanks एंड रिगार्ड्स, फिर अपना नाम, फिर आप जिस भी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों को ना आप एक ही बार में ऐड कर सकते हैं. जब भी आप अगर किसी को ईमेल करने जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके ईमेल बॉक्स में ऐड रहेगा. तो ये हम करके बताएंगे, इसको आपको टेंशन नहीं लेना है, सिंपल आप याद रखिए, उसे हम कहते हैं सिग्नेचर. Which of the following is not a type of broadband internet connection? इनमें से कौन सा broadband internet connection का type नहीं है? Right answer होगा A number, DSL. इसका full form क्या होता है? Digital subscriber line. Each IP packet must contain. हर IP packet में क्या होता है? Right answer होगा D number, source and destination address. आ कुकी, कुकी क्या होता है? राइट आंसर हम आपको यहाँ पे सीधे बताते हैं, सी नंबर, स्टोरेज इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी. किसी भी यूजर्स के जितने भी वेब एक्टिविटीज होते हैं उसे स्टोर करना, उस इंफॉर्मेशन को, इज नोन एज अ कुकीज. कंप्यूटर जार्गन फोर टाइम डब्लू मीन्स. कंप्यूटर जार्गन में www का क्या मतलब होता है? राइट आंसर होगा डी नंबर, वर्ल्ड वाइड वेब वार्म. व्हाट इज एम कॉमर्स? एम कॉमर्स इनमें से कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, मशीन कॉमर्स कहते हैं हम एम कॉमर्स को. टेलनेट इज अ, टेलनेट क्या होता है? राइट आंसर होगा डी नंबर, प्रोटोकॉल. ये एक प्रोटोकॉल है, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. टेलनेट इज अ डैश बेस्ड कंप्यूटर प्रोटोकॉल. तो राइट आंसर होगा ए नंबर, जो टेलनेट होता है ये एक टेक्स्ट बेस्ड कंप्यूटर प्रोटोकॉल है.
क्वेश्चन नंबर 83 है, XML स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर होगा बी नंबर, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो ये था ईमेल और इंटरनेट रिलेटेड सभी एमसीक्यू क्वेश्चन जो एग्जाम और इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अब अगला क्या करना है आपको, टेस्ट देना है। 20 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको 20 नंबर मिलेंगे। चलिए देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चंस को सही कर पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट क्या होता है? ए बी सी और डी, राइट आंसर फटाफट बताइए। आपको 1 से 2 सेकेंड का टाइम लेना है, हार्डली 3। अगर आप इससे ज्यादा टाइम लेते हैं तो आपके क्वेश्चंस छूट जाएंगे। राइट आंसर होगा ए नंबर, अ लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हेल्प यू टू सेव अनफिनिश्ड ईमेल विदाउट सेंडिंग इट। इनमें से कौन सा ऑप्शन से आपको मदद करता है अनफिनिश्ड ईमेल को सेव करने के लिए बिना सेंड किए हुए? तो राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, सेव एज ड्राफ्ट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ 4xW? तो लास्ट वाले W का क्या मतलब होता है? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, वार्म। क्वेश्चन नंबर 4 है, जंक ईमेल इज ऑल्सो नोन एज, जंक ईमेल को हम और क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, स्पैम। हु इज द फाउंडर ऑफ द इंटरनेट? इनमें से कौन इंटरनेट के फाउंडर हैं? ए बी सी और डी, राइट आंसर होगा सी नंबर, विंट सेफ। द वेब एड्रेस ऑल्सो नोन एज, वेब एड्रेस को हम और किस नाम से भी जानते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर, यू आर एल। यू आर एल स्टैंड्स फॉर, या फिर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यू आर एल? तो राइट आंसर इनमें से कौन सा होगा, किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। करेक्ट आंसर होगा हमारा सी नंबर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू राइटिंग अ लेटर, ट्रू या फॉल्स? अगर आपने वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपको पता होगा। करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, ट्रू। अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय, कंप्यूटर जब इंटरनेट पे होता है तो उसे हम कैसे पहचान सकते हैं, किसके द्वारा पहचान सकते हैं? तो राइट आंसर होगा ए नंबर, आईपी एड्रेस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी आईपी स्टैंड्स फॉर, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा डी नंबर, इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, द इंटरनेट वॉज ओरिजिनली अ प्रोजेक्ट ऑफ विच एजेंसी, किस एजेंसी का इंटरनेट प्रोजेक्ट था इनमें से? तो राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, अरपा। नेक्स्ट है, वेयर द वेब ब्राउजर स्टोर पेजेस एंड ग्राफिक्स दैट रिसेंटली ओपन्ड, ऐसे पेजेस और ग्राफिक्स जो रिसेंटली ओपन किए गए थे उसे वेब ब्राउजर कहाँ स्टोर करता है? करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, कैश। विच इज यूज टू शेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड डेटा बिटवीन ऑथोराइज्ड यूजर, ऑथोराइज्ड यूजर के बीच हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और डेटा को शेयर करने के लिए इनमें से किसका यूज किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर, नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल, सबसे कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, TCP/IP। इस क्वेश्चन को भी मैंने कराया था आज की वीडियो में, इसे अलग तरीके से पूछा गया था क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन वही रहते हैं, बस उसे घुमा के पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर, ई कॉमर्स का फुल फॉर्म इनमें से कौन सा है? राइट आंसर होगा डी नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? विंडोज, गूगल, याहू, बिंग। राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, विंडोज। इंटरनेट एक्सप्लोरर कम्स अंडर,
इंटरनेट एक्सप्लोरर किसके अंडर आता है? राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर ब्राउजर। क्वेश्चन नंबर 18 है, द प्रोटोकॉल POP स्टैंड्स फॉर। POP का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? A, B, C और D। ए नंबर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल मैसेजेस इज कॉल्ड। जो ईमेल मैसेजेस के स्टोरेज एरिया होता है उसे क्या कहा जाता है? फाइल, फोल्डर, मेल बॉक्स या फिर डायरेक्टरी? राइट आंसर होगा सी नंबर, मेल बॉक्स कहते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाइल सेंडिंग एन ईमेल व्हिच लाइन डिस्क्राइब्स द कंटेंट्स ऑफ द मैसेज। मैसेज भेजने के दौरान, ईमेल करने के दौरान इनमें से किस लाइन का यूज किया जाता है जो पूरे कंटेंट को डिस्क्राइब करता है? टू CC, BCC या फिर सब्जेक्ट? राइट आंसर होगा डी नंबर, सब्जेक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखना ना भूलें। और 20 में आपके कितने नंबर आए ये भी आपको कमेंट करके बताना है।